जी देखिए फ्रेंड, अगर आप अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए, 1 साल के बच्चे के लिए 0 से लेके बनाना चाहते हैं स्वेटर टॉप टू डॉम, गोल गला कैसे बनाना है वो आज हम आपको बताएंगे। जी हमने जी देखिए गोल गला बनाया है, बहुत सुंदर बन के आया है। जी हमने जो ये फंदे डाले थे, जी देखिए हमने ये फंदे डाले थे, फिर उसका हमने ये 4 सिलाई नीचे बनाई, 4 सिलाई ऊपर उल्टी उल्टी बनाई, फिर हम फंदे बढ़ाएंगे जो ये बढ़ते हैं फंदे। तो जो ये गला बनता है देखिए कितना सुंदर लग रहा है बन के ऊपर से। अगर एक गला आप बनाना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं अपने बेबी के लिए या बड़ों के लिए, तो आप इस गले को कैसे बनाते हैं वो हमारे से सीख लीजिए, फिर आप बनाइए। ये देखिए ये फ्रंट साइड है और बैक साइड भी आपको दिखा देते हैं कैसी बनी है। ये देखिए ये बैक साइड है ना। तो ऐसे ही हम डिटेल में आपको बताएंगे कि इस गले को कैसे स्टार्ट करना है और कैसे बनाना है। उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि इसको आगे कैसे डिवाइड करना है और आगे कैसे रेगलिंग कटिंग देनी है। तो ये हमने रखे हैं बटन पट्टी के, फिर हमने फ्रंट के, इधर भी बटन पट्टी के, फिर ए फ्रंट के। तो हमने क्या किया है, हमने 7 और 7 इधर 7 फंदे रखे हैं बटन पट्टी के, इधर भी 7। फिर हमने फ्रंट के दोनों साइड रखे हैं 10 10 फंदे। फिर हमने बाजुओं के, जो बाजू बनेंगी उसके रखे हैं 12 और 12, और जो बैक के फंदे हैं वो हमने रखे हैं 24। तो ऐसे हमने टोटल जो फंदे हैं 82 डाले हैं, और ये न्यू बॉर्न बेबी से लेके 12 मंथ तक पहना सकते हैं बच्चों को। गला बहुत सुंदर बन के आता है। ये देखिए जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो इसकी ग्रेस देखिए कितनी अच्छी आ रही है ना। तो आप अगर ये बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर गले के फंदे डाल लेंगे, तो जितने फंदे डालने हैं उतना हम थ्रेड ले लेंगे, और उसके बाद हम सिंपल से फंदे डाल लेंगे। ये ऊपर का जो टॉप बनेगा गले से शुरू होके आगे रैगलिंग कर आएगी, इसकी कटिंग फंदे बढ़ा के करेंगे और उसके बाद इस कलर को लगाएंगे। तो इसके फंदे कैसे डालने हैं वो आपने ध्यान से देखना है। तो हमने क्या करना है, हमने ए थ्रेड ले लिया और सिंपल ऐसे फंदे डालने हैं, ऐसे बिल्कुल सिंपल। एक गले के फंदे हैं और 82 फंदे हम डाल लेंगे, ऐसे 82 फंदे डाल लेंगे। उसके बाद इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने 82 फंदे डाल लिए हैं। अब हमने इसको क्या करना है, इसका बॉर्डर बुनना है, एक सीधा एक उल्टा। तो ये हमारा जिससे हमने फंदे डाले हैं वे बैक साइड है और रॉन्ग साइड है, बैक साइड। और बैक साइड से हम एक फंदा तो बुनेंगे उल्टा, थ्रेड करेंगे पीछे और एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, ऐसे। ऐसी पूरी सिलाई हम बना देंगे। देखिए हम बुनते हुए एंड में आ गए हैं सिलाई के। तो सीधा बुना उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा और सीधा। तो हमने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली बैक साइड से। अब राइट साइड में आते हैं। तो ये देखिए राइट साइड में हमें दिख रहा है ना, एक उल्टा सीधा उल्टा सीधा। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट फंदा उल्टा दिख रहा है तो इसको उल्टा ही स्लिप करेंगे। स्लिप करने के बाद जो सीधा फंदा हमने बुनना है, थ्रेड करेंगे पीछे, इसको हमने ऐसे बुनना है, नीचे से सिलाई डालते हुए, नीचे से सिलाई डालते हुए इसको ऐसे घुमाएंगे, फंदे को पकड़ लेंगे सीधे को, नीचे से लेके आएंगे ऊपर, और इसको फिर हम सीधा बुनेंगे,
ऐसे नीचे से लाके फिर फंदा बुनेंगे उल्टा, थ्रेड करेंगे पीछे, और जो हमारा सीधा फंदा है इसको ऐसे सिलाई में डालेंगे, फंदे को ऐसे पीछे को, और इसको ऐसे घुमा के नीचे ले आएंगे, मतलब नीचे से सिलाई डालेंगे, ऐसे खाली है ओपन है, नीचे से डालते हुए इसको पकड़ेंगे सीधा, फिर इसको घुमा के ऊपर ले आएंगे, जब ऊपर लाएंगे तो इसको हम सीधा बुनेंगे, ठीक है। फिर उल्टा फंदा सिंपल बुनेंगे, थ्रेड करेंगे पीछे, इस सिलाई को नीचे से ऐसे डालेंगे और इस सीधे फंदे को ऐसे पकड़ लेंगे और इसको घुमाकर ऊपर ले आएंगे नीचे से, और इसको इधर डालेंगे और फिर सीधा ही बुन लेंगे। तो ऐसे बहुत सुंदर सा बॉर्डर बन के आएगा। तो ऐसे हमने पूरी सिलाई बनानी है। जो देखिए फ्रेंड, ऐसे बना है और लास्ट में आ गए हैं, तो ऐसे नीचे से घुमा के इसको ऐसे ऊपर को लाएंगे और सीधा फंदा बुनेंगे, एक उल्टा और एक सिंपल सीधा बुन लें। तो हमारी ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। सेकंड उल्टी बनाई थी, फिर ये सीधी साइड है। अब फिर बैक साइड में आएंगे, जो ये फंदे जहाँ से डाले थे ना, वो बैक साइड है। तो ये देखिए कितना सुंदर बन के आया है, और राइट साइड में भी। अब हमने क्या करना है, क्योंकि बैक साइड है तो जैसे फंदे दिखते हैं वैसे बुनेंगे सिंपल। फर्स्ट फंदा उल्टा स्लिप करेंगे, एक सीधे को सीधा बुनेंगे, उल्टे को उल्टा बुनेंगे, सीधे को सीधा, उल्टे को उल्टा। तो ऐसे एक सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड कितना सुंदर ये गुलाई में बॉर्डर बन के आया है। तो इसलिए फिर एक सीधा एक उल्टे की सिलाई बनाई है, एक और सीधे और उल्टे की सिलाई बना लेंगे हम। ऐसे सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, ऐसे। तो हमारी कितनी सिलाई हो जाएगी ये देखिए, है ना। जी देखिए फ्रेंड, हमने फोर सिलाई बना ली है। फोर सिलाई में इधर से ऐसा बॉर्डर दिख रहा है, इसको फिर देखते हैं, इधर से ऐसा दिख रहा है। जो आपने सीधा रखना है उसको सीधा रख सकते हैं, हम इसको भी सीधा रख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे हमारा थ्रेड नहीं है इधर दोनों थ्रेड है, तो जब दोनों थ्रेड हैं तो इसको भी सीधा रख सकते हैं और इसको भी सीधा रख सकते हैं, क्योंकि बराबर ही हमें ये डिज़ाइन दिखता है। तो अगर हम फोर सिलाई के बाद काउंट करें तो जो पांचवी सिलाई है वो हम अगर उल्टी बुनते हैं जहाँ पे, तो ये जो थ्रेड है ना ये उल्टा उल्टी साइड दिखेगा। तो हम इस सिलाई को पूरा उल्टी बुनेंगे, ऐसे सीधे फंदे को भी उल्टा बुन देंगे, तो हमारी उल्टी साइड आ जाएगी इधर। ये देखिए जब हम बुन के देखेंगे पूरी सिलाई उल्टी, तो हमें पता चलेगा। ये देखिए इधर भी अच्छा लग रहा है, इधर भी अच्छा लग रहा है, जो सीधा रखना रखिए। अब हम जे सीधा रख लेंगे वो आपने देखना है। तो हमने अभी ये उल्टी उल्टी चार सिलाई बनानी है, एक फिर उधर से दो फिर तीन फिर चार, ठीक है। तो ऐसे आपने उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। अभी जे हमारा ऊपर का गला ही बन रहा है, तो ऐसी हम फोर सिलाइयां बनाकर आपको दिखाएंगे। जी देखिए फ्रेंड, हमने ये दो लाइनें उल्टी उल्टी बना ली हैं, ये हमने सीधी साइड रखी है। जहाँ हमारा ये छोटा थ्रेड फंदे डाल के आता है उसके जो ऐसे स्टार्ट करते हैं, तो ये उल्टी साइड है, ठीक है। इसको इसका ध्यान रखना है, उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है। और हमने फंदे भी डिवाइड कर लिए हैं, हमने इनके जो पोर्शन है वो आपको बता देते हैं। जहाँ दो लाइनें आई हैं, जहाँ पीछे तीन लाइनें आई हैं, जो बैक साइड है एक दो तीन उल्टी उल्टी, तो हमने क्या किया, सात फंदे हमने फ्रंट में रख लिए बटन पट्टी के, और बीच में हमने दस फंदे रखे हैं। फिर हमने
ये फ्रंट के हैं, फ्रंट का भाग इतना आएगा, 10 फंदे और 7 फंदे। फिर हमने ये 12 फंदे लिए हैं बाजू के, बाजू के ये भी 12 फंदे लिए हैं, 7 फंदे ये हैं, 10 फंदे ये हैं, 12 फंदे ये हैं। इधर भी ऐसे है, 7 और 10, 7, 10 और 12, और बीच में हमारे टोटल है 24, ये बैक के फंदे हैं। तो इसको हम ना गुलाई में, जो सर्कुलर वाली सिलाई है ना, उसमें भी बना के आपको दिखा देंगे। तो जैसे ही हमने 82 फंदे डाले और इसको हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद अब हम सीधी साइड है, और सीधी साइड में हम जहाँ बटन होल भी रखेंगे, तो कैसे रखना है, थोड़ा सा हमारा जहाँ भी रख सकते थे हम बटन होल, लेकिन हमने जहाँ रखना है तो हमारे 7 फंदे बटन पट्टी के हैं। तो हमने क्या करना है, अभी बैक साइड में ही रखना है इसको, बैक साइड में ही रख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा डाउन जा रहा है इसलिए। तो 3 फंदे हैं, फिर ये 4 हैं और ये 5 हैं। तो हमने क्या किया, 2 फंदे ये बुने है ना, और 2 इधर हैं, और 1 फंदा हमने और बुन लिया, 3 और 3 फंदे इधर हैं। जहां हमने एक ऐसे थ्रेड घुमा के जाली डाल देनी है और 2 का 1 करना है क्योंकि बैक साइड है, और ये फंदे हमने बुन लेने हैं। बुनने के बाद हम आएंगे राइट साइड में। तो बटन होल हमने बना दिया है जहां पे, ये देखिए जहां पे, आप बटन होल जहां पे भी बना सकते थे एक लाइन बुनने के बाद बटन होल, लेकिन हमारी चलो ये सिलाई बन गई है जहां हम रख रहे हैं। अब हम ये जो एक सीधा फंदा है उसको सीधा स्लिप करेंगे ताकि चेन हमारी साथ में बनती जाए। फिर हम उल्टे बुनेंगे 6 फंदे और, तो टोटल हम ये देखिए जहां हमने होल डाला है उसको उल्टा बुनेंगे, फिर आगे भी उल्टा। तो हमने 7 फंदे उल्टे बुन लेने हैं। 7 फंदे उल्टे बुनने के बाद थ्रेड करेंगे पीछे। अब ये हमारी बटन पट्टी के फंदे हैं, इसलिए हमने जहाँ पे ये लॉक लगा लिया है कि हमें पता चलता रहे। तो फिर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, जो 9 और 10, टोटल हमारे 10 फंदे फ्रंट के हैं। तो हम क्या करेंगे, जहां पे 2 का 1 करेंगे, ऐसे 2 का 1 किया ऐसे, फिर जहां जाली डाली और पीछे को 2 का 1 कर दिया। तो ऐसे हमने जहां पे ये रेगलिंग कटिंग देनी है, कटिंग का मतलब जहां से हमने फंदे बढ़ाने हैं। तो 2 फंदों का हमने 1 फंदा भी बढ़ा दिया और 2 का 1 कर दिया। फिर हम इसको जहां भी रख सकते हैं सेफ्टी पिन को, और फिर आगे जो 2 फंदे हैं उनको हमने ऐसे, वो पहले ऐसे किया था ना, इन 2 फंदों को हम बता दे दिखा देते हैं, इन 2 फंदों को ऐसे किया सीधा। अब हम ये पीछे को लेंगे 2 फंदे और एक बार बुनेंगे, फिर थ्रेड घुमाएंगे और फिर वहीं से एक बार बुन देंगे। तो हमारी ये रेगलिंग कटिंग स्टार्ट होगी। आगे हमने 12 फंदे रखे थे, 2 फंदों को हमने ऐसे कर दिया, 2 4 6 8 10 फंदे हम सीधे सिंपल बुन लेंगे। तो ऐसे आपने आगे आगे बढ़ते जाना है। जहां हम फिर रेग कटिंग देंगे डिजाइन बनाकर, तो 2 ऐसे, जो 2 इधर वाले है ना सीधे, इनको ऐसे ही सीधे रखेंगे और 2 का 1 करेंगे। जब 1 करेंगे इसको थ्रेड को घुमाएंगे जाली डाल के, फिर इसको सीधा ही बुन देंगे, पीछे बुनने की जरूरत नहीं है, सीधा ही बुन दीजिए। 3 बन गए। फिर इसको चाहे लॉक को रखिए चाहे ना रखिए, जहां पर भी हम पीछे को 2 का 1 करेंगे, बहुत सुंदर सा डिजाइन बन के आएगा और फंदे भी बढ़ जाएंगे। जो हम जाली डाल रहे हैं उससे फंदा बढ़ रहा है और डिजाइन भी बन जाएगा, ठीक है। और अगर आपने ये रखना है, आपने जहाँ पे सेफ्टी पिन तो रख सकते हैं है ना, जहाँ भी रख सकते हैं, जहाँ जहाँ आप, क्योंकि जहाँ फंदे बढ़ते जाएंगे जब वापस आएंगे ना उल्टी सिलाई बनाएंगे, तो ये फंदे, एक एक फंदा जहाँ बढ़ जाएगा। तो ऐसे आपने आगे फिर बुनने हैं, ये जितने फंदे हैं
वो बुल्ले ने है, 24 बैक के फंदे हैं जहाँ पे हम बढ़ाएंगे फंदा, ठीक है, दो का एक का, बाकी फंदे हम सिंपल बुन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने जहाँ पे फंदा बढ़ाए थे दो का एक करके, फिर बढ़ा दिया, फिर ये दो का, अब 20 के 20 फंदे बुन लिए हैं बैक के, अब दो फंदे जी हैं क्योंकि 24 थे, दो इसमें आ गए, दो इसमें आ जाएंगे। तो सिंपल ऐसे करना है, आपने दो का एक थ्रेड घुमाना है, फिर दो का एक, तीन बार हो गया, फंदे को बुन लिया। अब हमने जहाँ ही आ रखना है अपना सेफ्टी पिन, और फिर पीछे को ऐसे फंदा करना है और इसको घुमाना है और करना है, ये देखिए है ना। उसके बाद फिर ऐसे ही आगे करना है, बीच के फंदे फिर बुनने हैं जितने हैं हमारे, क्योंकि फंदे हमने डिवाइड कर लिए। अभी हम लिख के बता देते हैं कि ये फंदे हमने कितने रखे हैं, और बिगनर को बहुत आसानी हो जाएगी। जहाँ देखिए फिर दो लॉक आ गया और ऐसे कर लिया, फिर दो का एक किया, फिर हम जहाँ ही रखेंगे इसको मार्क को जही रख के, फिर हम दो का एक करेंगे, फिर पीछे को दो का एक करेंगे, फिर बीच के फंदे बुनेंगे जितने हमने ये फ्रंट में बुने हैं आपको बता दिया है। तो ऐसे ये देखिए मार्क से पहले ही, क्योंकि ये 7 फंदे हैं तो मार्क से पहले वाले दो फंदों पे ही हम नो जहाँ डाल दिए दो, ये हम इतने सीधे ही बुन लेंगे, जहाँ वहाँ भी बुने थे जहाँ भी, ये दो का एक करके डिज़ाइन बनाया, 2 4 6 8 है ना, और दो ये थे 10, तो 10 रखे थे फ्रंट के, फिर ये मार्क रख लिया हमने है ना, मार्क को जही रखना है क्योंकि थ्रेड आगे करना है, और इसको फिर हम बटन पट्टी के फंदे 7 फंदे उल्टे बुन लेंगे। जी देखिए अब हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि हमने इसको इसमें डाल लिया है, तो गले की शेप देखना आप कितनी अच्छी आती है। अभी दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए ऐसे गले की शेप आएगी, बहुत सुंदर बन के आएगा। ये सीधी साइड है, ऐसे हम गले की पूरी शेप देकर फिर आगे बनाएंगे।